क्या डाला? तुमने बैच नहीं लगाया? क्या नहीं लगाया? बैच नहीं मालूम? ये देखो ऐसा मैंने लगाया, ये ऐसा बिल्ला बिल्ला बोला जाए इसको। अरे आपको किसने दिया? अरे आपने भी लगाया बबीता जी? हाँ, अरे दया भाई। हाँ, चप्पू के पापा। अरे मेरा झंडा कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आप दो मिनट रुकिए, मैं जल्दी फटाफट घर पे जाके लेके आती हूँ। अरे देखो भी रुकिए रुकिए, आपको जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा है। हाँ रहने दे। हाँ थैंक यू बबीता जी। जनरल तुमको बैज लगाने को नहीं आता? अरे भाई अभी वो स्कूल में थे तभी लगाते थे, अभी कितने साल हो गए, अभी आदत छूट गई ना, लग जाएगा। डीजे में लगा देती हूँ। अरे थैंक यू बबीता जी। बबीता जी लगा। I'm sorry, आपको लगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बबीता जी, छोटी मोटी पिन की चुभन भी कोई चुभन है? अरे हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे शहीद और क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते जो जुल्म सहे हैं, अपने जान की कुर्बानी दी है, उसके सामने ये पिन की चुभन क्या है? कुछ भी नहीं है। वाह वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। वाह चप्पू के पापा, आपने कितनी गहरी बात की, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। यस पापा, सैल्यूट यू। वाह जेठा भाई वाह, इतनी गहरी बात आपने कहां से सीखी? जरूर कल रात देशभक्ति की फिल्म देखी होगी। ए दया, पिक्चर देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी स्कूल गया हूँ, इतिहास पढ़ा है मैंने। लेकिन जेठिया, देशभक्ति का जज्बा सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी या गांधी जयंती के दिन ही नहीं, बल्कि पूरे साल अपने दिल में रखना चाहिए। बिल्कुल जी जी बापू जी जी। हाँ, हमें इस जज्बे के साथ हमारे सारे कर्तव्य ठीक से निभाने चाहिए। ये दादाजी, हमारे लिए हमारे रियल हीरोज, हमें आजादी दिलाने वाले हमारे शहीद, हमारे क्रांतिकारी और देश की सरहद पर अपनी जान हथेली पर रखने वाले हमारे वीर सैनिक है। हाँ जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता। जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, आज हमारे देश को आजाद हुए 69 साल पूरे हुए। आप सभी को आज मोबाइल पर आज के इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन हमें हमारे इस स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ मोबाइल में ही नहीं बल्कि हमें दिल में सेव करके रखना चाहिए। जैसे हम सभी अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही भारत देश हमारा घर है, हमें हमारे भारत घर को स्वच्छ रखना है। सही बात है। हमें हमारे शहीदों की तरह, क्रांतिकारियों की तरह देश के लिए जान देने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन उन्हीं का हमारे भारत देश के लिए एक सपना था, एक खुशहाल भारत का सपना, प्यार शांति भाईचारे के भारत का सपना। उनके इस सपने के भारत को साकार करने का सौभाग्य हम पा सकते हैं। हमें देश के प्रति हमारे फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाना, तभी उनका ये सपना साकार होगा। सही बात है। जय हिंद, जय हिंद। देश के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन देश के प्रति हमारा जो फर्ज है उससे कभी कोई बेमानी नहीं करेंगे। क्यों यारो? अरे अरे सही बात, बिल्कुल सही बात है थोड़ी। चलिए अब सभी ध्वजारोहण करते हैं। वैसे टपू से ना, इस साल ध्वजारोहण करने का सौभाग्य किसे मिला है? यस बीडा अंकल, तो गोकुलधाम वासियों, इस साल ध्वजारोहण करेंगे हम सबके प्यारे अब्दुल भाई। दोस्तों, हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी एक छोटा भारत है। हम सब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, पहले हम सब यहाँ पर भारतीय है, भाई भाई है। सही बात तो यारा, ओ एकदम सच बात कही। चलिए अभी ध्वजारोहण करते हैं। आइए 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 पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़।
कलबंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधिधर।